हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनिस एजुकेयर टुडे वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज नंबर 14.3 ऑफ योर चैप्टर फैक्टराइजेशन दिस चैप्टर इज फ्रॉम योर एट मैथमेटिक्स एन तो ये स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर वन से कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन ओके हमें क्या करना है यहाँ पर डिवाइड करना है देर इज आई थिंक सभी यहाँ पर मोनोमियल है करेक्ट मोनोमियल बाय मोनोमियल से हमें यहाँ पर सॉल्व करना है कैसे करना वालों को पता है अगर नंबर दिया हो तो उसके प्राइम फैक्टर निकालिए यहाँ पर अगर वेरिएबल दिया तो उनके प्राइम यहाँ पर फैक्टर्स निकालिए ओके okay? तो फर्स्ट वन ट्वेंटी एट एक्स टू द पावर फोर डिवाइडेड बाय फिफ्टी सिक्स एक्स क्या होगा देखिए ट्वेंटी एक्स टू द पावर फोर अपॉन फिफ्टी सिक्स एक्स आ जाएगा तो ट्वेंटी एट के फैक्टर्स टू टू सेवन एक्स फोर टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा देन टू 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 सेवन यहाँ पर आ गया देन एक्स

देन इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए ओके okay? यहाँ पर जो लिखा है इसे भूल जाइए देन माइनस साइन एन ओनली वो ये जो माइनस साइन यहाँ पर मैंने लिख दिया ठीक है माइनस साइन यहाँ पर लिखा देन थर्टी सिक्स के फैक्टर्स टू टू थ्री थ्री देन वाई क्यूब है तो वाई 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 देन नीचे नाइन वाई स्क्वायर है तो थ्री वाई मल्टीप्लाई थ्री वाई 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 थ्री 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 रिमेनिंग बचा ओनली वाई टू टू जा फोर ये माइनस साइन माइनस फोर वाई हमारा आंसर हुआ ओके okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स पी क्यू आर क्यूब अपॉन इलेवन क्यू आर स्क्वायर यहां पर क्या है सिक्सटी सिक्स के फैक्टर्स टू थ्री इलेवन पी मल्टीप्लाई विद क्यू मल्टीप्लाई विथ क्यू मल्टीप्लाई विद आर आर आर

थर्टी फोर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब अपॉन फिफ्टी वन एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब क्या करना है इन सभी के फैक्टर्स तो टू मल्टीप्लाई विद सेवनटीन देन एक्स 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 वाई 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 जेड 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 तो 17, वन जेड वन जेड वन जेड वन जेड वन जेड वन जेड वन वाई वन वाई ओके यहाँ पर और एक वाई एक वाई एक्स एक्स सेवनटीन सेवनटीन कैंसिल हुए तो टू एक्स एक्स एंड वाई टू एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर आ गया टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन नीचे थ्री तो नीचे थ्री भी आ गया तो टू बाई थ्री एक्स स्क्वायर वाई हमारा आंसर हुआ ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव ट्वेल्व ए का पावर एट बी का पावर एट डिवाइडेड बाय माइनस सिक्स ए टू द पावर सिक्स बी टू द पावर फोर ओके आशा नहीं है भी तो नीचे माइनस है ना तो ऊपर uh, माइनस माइनस यहाँ पर पॉजिटिव ऑलरेडी पता है तो माइनस माइनस मैंने लिखा तो वन माइनस वन माइनस गेट, गेट कैंसल ऊपर बचा माइनस का साइन एक तो टू टू थ्री यहाँ पर एट टाइम्स एट होगा तो एट टाइम्स ए हमने लिखा एट टाइम्स बी होगा तो एट टाइम्स हमने बी लिखा नीचे ए जो है सिक्स टाइम्स एंड बी फोर टाइम्स तो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर देन वन टू वन टू वन टू सिक्स टाइम्स देन टू एंड थ्री टू एंड थ्री तो बचा टू देन दो ए बचे चार बी बचे मतलब माइनस टू ए स्क्वायर बी टू स्क्वा पावर फोर हमारा आंसर हुआ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन पोनोमियल ठीक है तो फर्स्ट वन है फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स डिड बाई थ्री एक्स तो फाइव एक्सक्वास को हमें क्या करना है यहाँ पर इनका फैक्टर्स निकालना है ठीक है तो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है उसे कॉमन निकालिए सो विद हेल्प ऑफ दैट थ्री एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं आप यहाँ पर येस वी कैन और आप यहाँ, यहाँ पर देखिए ऐसे भी सॉल्व कर सकते फाइव एक्स स्क्वायेर जो हमने अनदर मेथड भी लर्न की थी थ्री एक्स माइनस सिक्स एक्स है ना ठीक है तो देखिए अभी हमें क्या करना है फाइव एक्स थ्री एक्स देन माइनस सिक्स एक्स अपॉन थ्री एक्स थ्री वन जा थ्री टू जा एक्स एन एक्स गेट कैंसल एक्स एंड एक्स गेट कैंसल थ्री यहाँ पर फाइव बाई थ्री हो जाएगा तो फाइव बाई थ्री एक्स माइनस टू हमारा आंसर हो जाएगा फॉर दिस फर्स्ट वन ठीक है देखिए इसका आंसर तो फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स अपॉन थ्री एक्स तो एक्स एक्स उन्होंने कैंसिल किया एंड वी गेट फाइव एक्स माइनस सिक्स अपॉन थ्री वी कैन अगेन सॉल्व दैट फाइव एक्स अपॉन थ्री माइनस सिक्स अपॉन थ्री मतलब फाइव बाई थ्री एक्स माइनस सिक्स बाई थ्री मतलब थ्री वन ज थ्री टू आप ये भी आंसर लिख सकते ओके बट uh, ये जो आंसर है ये भी करेक्ट है ये भी आंसर सही है ठीक है चलो नेक्स्ट वन अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन है थ्री वाई टू द पावर एट माइनस फोर वाई टू द पावर सिक्स प्लस फाइव वाई टू द पावर फोर देन डिवाइडेड बाय वाई टू द पावर फोर ओके चलो देखिए थ्री वाई एट माइनस फोर वाई दावर सिक्स फाइव वाई पावर फोर तो वाई टू द पावर फोर को हमने कॉमन निकाला तो थ्री वाई द पावर फोर बचा देन माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस फाइव

एक्सक्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्र वो आपको कॉमन निकालना है ठीक तो है एंड फोर एंड फोर टू ज़ा गेट कैंसिल तो टू बचता है ऊपर देखिए फोर वन जा फोर टू जा बचा देन एक्स स्क्र एक्स स्क्र एक्सक्वायर एक्सक्वायर वाई स्क्यर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हुआ ब्रैकेट में बचा ओनली एक्स वाई जेड तो टू एक्स वाई जेड यहाँ पर आंसर आ जाएगा ठीक है आप टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड भी आंसर लिख सकते ओके देन नेक्स्ट वन यहाँ पर है एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई टू एक्स अभी आप यहाँ पर एक्स को कॉमन निकाल सकते हो तो ठीक है तो so एक्स को कॉमन निकालिए एंड देन इसे कैंसिल आउट करिए सो वी गेट द आंसर एक्स को मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पर एक्स एक्सक्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री अपॉन टू एक्स वन एक्स वन एक्स गेट तो टू एक्सक्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री अपॉन टू और आप यहाँ पर इसका आंसर टू को भी कॉमन निकाल से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो मतलब यहाँ पर आ जाएगा टू वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एंड टू गेट के आंसर मतलब एक्स बचेगा देन थ्री बाई टू आपका आंसर ये भी आपका आंसर हो सकता है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वन पी क्यूब क्यू स्क्वायर क्यू टू स्क् पावर सिक्स माइनस क्यू टू पावर पी टू द पावर सिक्स अपन देखिए पी क्यूब क्यू क्यूब यहाँ पर दिया है तो स्टूडेंट्स पी क्यूब क्यू टू द पावर सिक्स माइनस पी टू द पावर सिक्स एंड क्यू टू द पावर थ्री पी क्यूब एंड क्यू q का क्यूब ठीक है तो यहाँ पर p क्यूब q क्यूब आप यहाँ पर कॉमन निकालिए तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन बचा गया यहाँ पर q का क्यूब माइनस p का क्यूब ओके देन क्वेश्चन नंबर 3 वर्कआउट द फॉलोइंग डिवीजंस 10x 25 5u सो व्हाट वी गेट जल्दी से बताओ क्या आप यहाँ पर 5 को कॉमन निकाल सकते हो यस आई कैन टेक द कॉमन एज अ 5u तो फाइव टू जे इन फाइव फाइव आ ये समझ में आ गया मुझे तो मैं कैन ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ आप कर सकते हैं ना सॉल्व चलो नोटबुक लीजिए आपके हाथ में सॉल्व करिए जल्दी से फर्स्ट वन टेन एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई फाइव ठीक है एंड वीडियो पॉज करिए यहाँ पर एंड सॉल्व करिए खुद से ठीक है चलो तो इसका आंसर देखिए टेन एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव अपन फाइव तो फाइव को मैंने कॉमन निकाला तो बचाया यहाँ पर टू एक्स एंड फाइव 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 गेट कैंसिल गेट द आंसर टू एक्स माइनस फाइव नेक्स्ट वन है टेन एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई टू एक्स माइनस फाइव ओके तो क्या करना है सेम वही जस्ट फाइव को कॉमन निकालिए देखिए मैंने फाइव को कॉमन निकाला तो टेन एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव ऑन टू एक्स माइनस फाइव है तो फाइव को कॉमन है ऊपर तो आ जाता है टू एक्स माइनस फाइव नीचे भी टू एक्स माइनस फाइव गेट कैंसल आंसर आ जाएगा फाइव आसान था ना यस नेक्स्ट वन टेन वाई ब्रैकेट सिक्स वाई प्लस ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाई फाइव इन ब्रैकेट टू वाई प्लस सेवन ओके देखिए इसका आंसर टेन वाई सिक्स वाई प्लस ट्वेंटी वन अपॉन फाइव इन ब्रैकेट टू वाई प्लस सेवन तो हमने क्या किया अभी यहाँ पर देखिए टेन वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ थ्री मतलब हमने थ्री वाई को अगर यहाँ पर कॉमन निकाला अभी देखिए आपको कौन सी वैल्यू कॉमन निकालनी है अगर मैं यहाँ पर थ्री को कॉमन निकाल सकता हूँ ठीक है मैंने यहाँ पर क्या किया थ्री को कॉमन निकाला सो टेन वाई मल्टीप्लाई वि थ्री देन टू वाई यहाँ पर बचा प्लस सेवन अपऑन क्या है फाइव टू वाई प्लस सेवन फाइव देन टू वाय प्लस सेवन यहाँ पर जाएगा टू वाय प्लस सेवन टू वाय प्लस सेवन गेट ज़ा फाइव टू ज़ा सो फाइव टू ज़ा देन बचा वाय सो टू वाय सिक्स विस वाय आंसर हुआ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर फोर नाइन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट थ्री झेड ज़ेड माइनस एट अभी क्या करना है आपको okay? नाइन एक्स स्क्र वाई स्क्यर थ्री को कॉमन निकालिए तो जेड माइनस एट यहाँ पर ऊपर भी आ तो है जेड माइनस एट एंड जेड माइनस एट गेट कैंसिल हो जाएगा देन स्टूडेंट्स आपको क्या करना है जस्ट डिवाइड करना है ओके थ्री वन जा थ्री नाइन जा ठीक है नाइन आ गया नाइन एंड नाइन गेट कैंसिल अभी एक एक्स और एक एक गेट कैंसिल यहाँ पर बचा ओनली एक्स वाई एंड वाई गेट कैंसिल ओनली बचा वाई तो एक्स वाई हमारा आंसर हुआ ओके okay? कि कैंसिलेशन जो है आपको समझ में आना चाहिए अच्छे तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए इसका तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा नेक्स्ट है नाइन्टी सिक्स ए बी सी 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 थ्री ए माइनस ट्वेल्व फाइव बी माइनस थर्टी डिवाइडेड बाई वन फोर्टी फोर एंड ए माइनस फोर एंड बी माइनस सिक्स ओके देखिए नाइन्टी सिक्स ए बी सी थ्री ए माइनस ट्वेल्व फाइव बी माइनस थर्टी वन फोर्टी फोर ए माइनस फोर एंड बी माइनस सिक्स ठीक है तो नाइन्टी सिक्स के यहाँ पर फैक्टर्स लिखे देन यहाँ पर वन फोर्टी फोर के फैक्टर्स लिखे थ्री ए माइनस ट्वेल्व को आप यहाँ पर लिख सकते हो ओके okay, तो ए माइनस फोर देन यहाँ पर हमने क्या किया? थ्री को कॉमन निकाला तो ए माइनस फोर आ गया देन यहाँ पर अगर मैं फाइव को कॉमन निकला तो बी माइनस सिक्स बन जाता है तो बी माइनस सिक्स बी माइनस सिक्स ए माइनस तो फोर ए माइनस फोर थ्री 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 कैंसल देन टू 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 बचा फाइव बचा फाइव टू ज टेन एंड ए बी सी तो टेन ए बी सी हमारा आंसर हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर डिवाइड एज डायरेक्टेड तो यहाँ पर पॉलिनोमल है तो उसे बाइनोमियल्स बहुत सारे यहाँ पर दिया है ओके okay? तो उससे हमें सॉल्व करना है चलो तो फाइव टू एक्स प्लस वन फर्स्ट वन थ्री एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस वन ओके देखिए यहाँ पर हमने लिखा ना यस टू एक्स प्लस वन एंड टू एक्स प्लस वन गेट कैंसल तो फाइव थ्री एक्स प्लस फाइव हमारा आंसर हुआ कितना आसान था ये भी येस yes, इतना आसान क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स टू मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं okay? ओके तो ऐसे सिली क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है एग्जाम में सॉल्व करना है ना आपको ये येस yes, आपको मार्क्स चाहिए अच्छी तरीके से देखिए मैथ्स ये जो सब्जेक्ट है कितना आसान सब्जेक्ट है इसमें कुछ जस्ट आपको कैलकुलेशन करना है आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं आपको ये थेराटिकल सब्जेक्ट होते हैं तो मैं कहता ना कि वो बुरे हैं बट स्टूडेंट्स कैसे मैथ में आपको जस्ट कैलकुलेशन करना है स्टेप वाइज करिए गेट द फुल मार्क्स बट थेरी में ऐसा नहीं रहता आपने अगर कुछ सेंटेंसेस भूल गए तो वहाँ पर मार्क्स कट जाते हैं आपके करेक्ट और आपको कितना लिखना पड़ता है वहाँ पर बट यहाँ पर तो आपको जस्ट स्टेप करना है कैलकुलेट करना है जस्ट सॉल इट सही ना यस yes. चलो अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन क्या है नेक्स्ट वन ट्वेंटी सिक्स एक्स वाई एक्स प्लस फाइव एंड देन यहाँ पर है x प्लस फाइव वाई माइनस फोर डिवाइडेड बाय थर्टीन एंड वाई माइनस गेट कैंसल पूरा ब्रैकेट कैंसिल हुआ देन थर्टीन एक्स न थर्टीन वन जा थर्टीन टू जा एंड देन एक्स एक्स गेट कैंसल सो वी गेट टू वाई एक्स प्लस फाइव ओके नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन है फिफ्टी टू पी क्यू आर पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर प्लस पी एंड देन हंड्रेड एंड फोर पी क्यू क्यू प्लस आर तो क्यू प्लस आर दिख रहा है मुझे यस yes, तो वो कैंसल हो जाएगा तो क्यू प्लस आर एंड क्यू पर क्यू प्लस आर गेट कैंसल घर में यहाँ पर देखता हूँ स्टूडेंट्स देखिए फिफ्टी टू के फैक्टर्स हमने लिखे यहाँ पर लिखा है कोई बात नहीं अभी पी प्लस क्यू एंड क्यू प्लस क्यू एंड गेट कैंसल यस देन आफ्टर दैट टू 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 गेट कैंसल थर्टीन एंड थर्टीन गेट कैंसल बचा क्या आर इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू अपॉन टू ये आपका आंसर हुआ नेक्स्ट वन ट्वेंटी वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाई फाइव वाई प्लस फोर अभी वाई प्लस फोर वाई प्लस फोर तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर ही दिख रहा है तो मैं डायरेक्टली कैंसिल कर सकता हूँ ना एंड फाइव वन जा फाइव फोर जा तो फोर वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई प्लस थ्री हमारा आंसर है डायरेक्ट मैं आपको बता दिया ठीक है आपको ऐसे डायरेक्टली देख के पता चलना चाहिए येस ये कैंसिल हो रहा है येस ये कैंसिल कैंसिल और ये मेरा आंसर डायरेक्टली आपको ये पता होना चाहिए ओके इतना आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए स्टूडेंट्स ठीक है देखिए इसका आंसर तो ट्वेंटी वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई प्लस थ्री डिवाइड बाई फाइव इन ब्रैकेट वाई प्लस फोर तो वाई प्लस फोर वाई फोर प्लस गेट कैंसल ठीक है यहाँ पर देखिए कैंसिल हुआ एंड देन फाइव एंड फाइव गेट ट्वेंटी के फैक्टर्स निकाले टू टू फाइव तो फाइव फाइव गेट कैंसल तो टू टू फोर तो फोर इन ब्राकेट वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई प्लस थ्री हमारा आंसर हुआ मैंने आपको पहले ही बता दिया था नेक्स्ट वन नेक्स्ट फिफ्थ वन एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एंड डिवाइडेड बाई एक्स एक्स प्लस वन

देन आपको इससे डिवाइड करना है ओके okay? पहले आप इसका फैक्टर्स निकालेंगे देन डिवाइड करेंगे तब तो आप इसका आंसर निकाल पा सकते हो ठीक है तो वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस टेन देखिए इसका आंसर पहले हमने क्या किया इसके फैक्टर्स निकाले तो वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई प्लस टू वाई प्लस टेन वाई प्लस फाइव तो यहाँ पर वाई का कॉमन निकाला यहाँ पर टू को कॉमन निकाला तो वाई प्लस फाइव एंड टू तो वाई प्लस फाइव अपॉन वाई प्लस फाइव गेट कैंसल वाई प्लस टू यहाँ पर रिमेनिंग बचा ओके okay? ऑलरेडी आपने ये लर्न किया है कैसे निकाला जाता है ये जो स्टेप्स है आपका आपको ऑलरेडी पता है ओके अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वाले लेक्चर देखिए और वहां पर हमने ऑलरेडी टू एक्सरसाइज सॉल्व किए वहाँ पर ऑलरेडी ये जो तो न्यूमेरिकल से उसे सॉल्व किया है ओके तो ये कैसे सॉल्व किया आपको ऑलरेडी पता है सो दैट्स वाई जस्ट आपको तो करना तो इनके फैक्टर्स निकालना है एंड जस्ट कैंसिल आउट करके आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट वन देखिए अभी एम स्क्वाइनस फोर्टीन एम माइनस थर्टी टू डिड बाय प्लस टू तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा थर्टी टू है ना तो सिक्सटीन टू सा तो माइनस सिक्सटीन प्लस टू सो वी गेट यहाँ पर एम स्क्वायर एम माइनस सिक्सटीन प्लस टू एम माइनस सिक्सटीन एम माइनसटी को कॉमन निकाला तो एम प्लस टू आ गया एम प्लस टू एम प्लस टू गेट कैंसल एंड एम माइनस सिक्सटीन हमारा आंसर हुआ नेक्स्ट वन है फाइव पी स्क्र माइनस ट्वेंटी फाइव पी प्लस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई पी माइनस वन सो फाइव पी स्क्र माइनस ट्वेंटी फाइव पी प्लस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई पी माइनस वन तो हमने क्या किया पहले यहाँ पर इसके फैक्टर्स निकाले तो फाइव पी स्क्र माइनस ट्वेंटी पी एंड देन माइनस फाइव पी प्लस ट्वेंटी तो यहाँ पर पी माइनस फोर एंड फाइव पी माइनस फाइव आ जाएगा तो ये यहाँ पर अगेन मैंने अगर फाइव को कॉमन निकाला तो पी माइनस वन आ जाता है तो पी माइनस वन एंड पी माइनस वन गेट कैंसल तो फाइव पी माइनस फोर हमारा आंसर बन जाता है ठीक है गरज देखिए स्टूडेंट्स अगर आप इसे आपके नोटबुक में अगर इस जैसे मैंने आपको स्टेप वाइज कहा है अगर आप उसे सॉल्व करते जाएंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी यहाँ पर नहीं आनी चाहिए ठीक है अगर आ रही है डिफ़िकल्टी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये स्टेप जरा सा ध्यान से देखिए आपको समझ में जस्ट क्लिक हो जाएगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड हंड्रेड के ऐसे दो फैक्टर्स ट्वेंटी एंड फाइव प्रोडक्ट इसका हंड्रेड होना चाहिए येस अभी आ रहा है बट इन दोनों की एडिशन ट्वेंटी फाइव आनी चाहिए बट माइनस ट्वेंटी फाइव चाहिए कब आएगी माइनस माइनस माँण साइन दे दीजिए माइनस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पॉजिटिव आ रहा है माइनस ट्वेंटी माइनस फाइव इन दोनों की एडिशन माइनस ट्वेंटी फाइव आ रही है तो ये, ये मेरे दो फैक्टर्स बन गए था ना आसान ये यस yes. देन उसके बाद नेक्स्ट है फोर वाई जेड देन जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस सिक्सटीन एंड टू वाई जेड प्लस एट तो यहां पर सॉल्व करना इस है इसे देखिए इसका फैक्टराइज किया मैंने तो यहां पर मुझे मिलता है जेड प्लस एट एंड जेड माइनस टू तो Z Z तो 2, 2 Z, Z 2 यहाँ पर हमारा आंसर होता है ओके okay, जस्ट आपको फैक्टराइज़ करना है इसे फैक्टराइज करते हुए आप आगे आगे आ जाएंगे ठीक है 5PQ, P Q 2P, P Q, तो यहाँ पर हमने क्या किया स्टूडेंट देखिए पी स्क्र माइनस क्यू ना यहाँ पर पी प्लस क्यू है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आइडेंटिटी का ए प्लस बी माइनस बी यूज करे तो पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू प्लस ये वाला कैंसल पी पी गेट कैंसल तो फाइव क्यू पी माइनस क्यू एंड अपॉन टू हमारा आंसर हुआ नेक्स्ट वन सिक्स वन है ट्वेल्व एक्स वाई नाइन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन वाई स्क्वायर फोर एक्स वाई थ्री एक्स प्लस फोर वाई देखिए ये भी कितना आसान है थ्री एक्स स्क्वायर है माइनस फोर वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्र मिला था कैसल फोर थ्री जो थ्री थ्री एक्स माइनस फोर वाई हमारा आंसर हुआ जस्ट आपको यहाँ पर भी आइडेंटिटीज यूज करनी है नेक्स्ट यहाँ पर सेवन नंबर है थर्टी नाइन वाई क्यू फिफ्टी वाई स्क्वायर माइनस एट डिवाइडेड बाय ट्वेंटी सिक्स वाई स्क्वायर फाइव वाई प्लस सेवन तो यहाँ पर इसके निकालिए फैक्टर्स निकालिए भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप यूज कर सकते हो यस yes, तो यहाँ पर फाइव वाई स्क्वायर माइनस सेवन का स्क्वायर सो वी गेट फाइव वाई प्लस सेवन फाइव वाई माइनस सेवन यहाँ पर थ्री देखिए यहाँ पर टू टू गेट कैंसल थर्टीन थर्टीन गेट कैंसल वाई गेट कैंसल एंड देन आफ्टर दैट बचा क्या यहां पर थ्री बचा है ऊपर तो थ्री वाई फाइव फाइव वाई माइनस सेवन यहाँ पर हमारा आंसर हुआ ओके okay? तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर थर्टीन पॉइंट फोर्टीन पॉइंट थ्री यहाँ पर एंड होती है ठीक है तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू